जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी में जूनियर असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि 2022 के लिए 4500 प्लस वैकेंसी निकाली गई है जूनियर असिस्टेंट की, यानी कि कनिष्ठ सहायक की भर्ती यहां पे निकाली गई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। यहां पे सबसे पहले मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहूंगा कि मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल यूपी के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं अगर आप इसकी योग्यताओं को पूरा करते हैं। तो साथ ही में अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट वो आती है चक्सु पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये वो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही में इनके प्रैक्टिस एड एंड सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं, जिसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं और तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसा कि मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया कि 4500 प्लस यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब मैं बात कर लेता हूँ एज के बारे में, तो एज यहाँ पे रहेगी 18 से 40 साल का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। वहीं पे अगर कोई यूपी से बिलोंग करता है तो 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी एससी और एसटी कैंडिडेट को। बाकी के अगर आप किसी भी अदर राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र 18 से 40 साल होनी चाहिए, लास्ट डेट से आपकी एज काउंट की जाएगी। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 2000 ग्रेड पे यानी जीपी की आपकी जॉब यहां पे रहेगी। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एप्लीकेशन फीस मात्र आपको 25 रुपये यहां पे करनी होगी। इसके लिए आपको जो फॉर्म भरना होगा वो केवल आप ऑनलाइन ही इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, जो कि आपको यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ही फॉर्म फिल करना होगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में पहली चीज़ तो आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पे आपके पास 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर सेकंड पे जो बात आती है वो आती है टाइपिंग नॉलेज की। तो इसके लिए कोई सर्टिफिकेट होने की आपके पास जरूरत नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि आपको टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे देना होगा। नहीं आती है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर टाइपिंग नहीं आती होगी तो आप टाइपिंग में फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो स्पीड होनी चाहिए, अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर देखिए इंग्लिश का तो सिंपल है कि किसमें, और वहीं पर अगर आप हिंदी की बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि कौन से फॉन्ट में हमें यहाँ पे टाइपिंग करनी होती है। तो यहां पे कृतिदेव या मंगल फॉन्ट में किसी में भी आप टाइपिंग कर सकते हैं, तो दोनों ही ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें तो नंबर थर्ड पे जो बात आती है वो आती है ट्रिपल सी, यानी कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या आपके इसके अलावा अगर कोई भी समकक्ष अगर आपके पास डिप्लोमा है, जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा कोई भी हो जो भी ट्रिपल सी के बराबर आता हो, या उससे ऊपर लेवल का अगर कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ रहेगी वो रहेगी आपकी पैट 2021 वाला। तो आप सभी को बता दें कि यूपी पैट 2021 के एग्ज़ाम में जो भी लोग अपीयर हुए होंगे वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये यूपी पैट 2021 के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही उसी के आधार पर ये भर्ती निकाली गई है। अब यहाँ पे बात कर लें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए आपको बता दें, सबसे पहले रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, और इसके बाद रहेगा आपका टाइपिंग टेस्ट, और इसी के बेसिस पे आपकी जो लिस्ट होती है वो भी बनती है। यहाँ पे कुछ नंबर होते हैं जो एडिशनल मार्क्स दिए जाते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दो ही यहाँ पे फेसेस रहते हैं, इसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट लग जाती है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ सिलेबस के बारे में, तो चलिए सिलेबस आपको क्लियर कर देते हैं। तो तीन सब्जेक्ट आपके आते हैं। पहला हो जाता है आपका हिंदी, जिसके 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसके लिए 30 नंबर आपको दिए जाते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन जो होता है वो आधे नंबर का रहता है, तो 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। वहीं पर नंबर सेकंड पर आता है आपका रीजनिंग, जिसके 30 क्वेश्चन होते हैं और 15 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और नंबर थर्ड पर आता है आपका जीके, जिसके 40 क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। यानी इसके अकॉर्डिंग टोटल 130 क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं, जिसके लिए 65 नंबर आपको यहाँ पे दिए जाते हैं।
आपका जो पेपर होता है वो होता है 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट का आपका पेपर करवाया जाएगा, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग जो रहती है वो रहती है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपका जो पेपर हो गया वो तो हो गया 65 मार्क्स का, लेकिन आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है वो होती है आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स देख लेते हैं कि इसके अलावा जो नंबर आपको मिलते हैं वो किस चीज़ के दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो 30 मार्क्स होते हैं वो आपको क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा जो होते हैं 5 नंबर आपको दिए जाते हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के, तो इसके अकॉर्डिंग टोटल 65 प्लस 30 प्लस 5 टोटल मिला के 100 मार्क्स आपके हो जाते हैं, जिसपे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो ये तो हो गए आपके टोटल मार्क्स। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो देखिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए तो आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके लिए 5 नंबर आपको दिए जाते हैं। अब ये जो 30 नंबर है इनका सबसे मेन रोल रहता है, क्योंकि एग्जाम के साथ साथ अगर आपको ये नंबर अगर नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पे कंपटीशन में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। अब समझते हैं कि 30 नंबर आपको कैसे मिलते हैं। तो देखिए ट्वेल्थ में जिसके पास भी फर्स्ट डिवीजन क्वालिफिकेशन होगी उसे 20 नंबर यहाँ पे दिए जाते हैं, यानी कि अगर आपने ट्वेल्थ फर्स्ट डिवीजन कर रखी है तो आपको यहाँ पे 20 नंबर दे दिए जाएंगे। और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए बात करें तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और फर्स्ट डिवीजन आपने पास किया है तो 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। इससे नीचे अगर आपने सेकंड डिवीजन कर रखा है तो जैसे 15 मार्क्स हो गए, और वहीं पे अगर मैं बात करूं कि जैसे कि थर्ड डिवीजन कर रखा है तो 10 मार्क्स आपको ट्वेल्थ में दिए जाएंगे, इस तरीके से होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि ग्रेजुएशन में अगर जैसे कि अगर आपने सेकंड डिवीजन है तो 8 नंबर और अगर आपके थर्ड डिवीजन है तो 7 नंबर, इस तरीके से आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों में अगर आपके पास फर्स्ट डिवीजन है तो 30 मार्क्स पूरे के पूरे आपको मिल जाते हैं, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो 35 मार्क्स हो जाते हैं, बाकी का आपको एग्जामिनेशन में जो मार्क्स होते हैं जितने ओबटेन होते हैं उन्हें ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे बात कर लें कि यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, तो आप सभी को क्लियर कर दें इसी मंथ यानी अक्टूबर 2022 में इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि बेसिस जाएंगे आपके UPSSC PET का जो एग्ज़ाम करवाया गया था उसी के बेसिस पे आपका यहाँ जो रहेगा जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट उन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और मेंस एग्जाम में शामिल किया जाएगा। लास्ट ईयर की कट ऑफ आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि 2019 वाली जो भर्ती चल रही थी उसमें जो मार्क्स आए थे टोटल 42.5 के अप्रोक्स कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी में, जबकि उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो थी 1400 वैकेंसी पे। आप समझ सकते हैं कि 65 में से आउट ऑफ 65 कितने मार्क्स हैं आपके, 42.5 मार्क्स पे कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो लगभग 3 गुना यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो यूपी पैट 2021 के बारे में, तो इसके देखिए 4500 वैकेंसी हैं, तो 15 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा मेन्स एग्जाम के लिए, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और वही कैंडिडेट केवल मेन्स एग्जाम में शामिल हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को क्लियर कर दी हैं। तो जरूरी चीज़ इसमें रहेगी वो रहेगी यहाँ पे आपके ट्वेल्थ में फर्स्ट डिवीजन और ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे अगर 30 मार्क्स आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं बिना मेहनत करे तो बाकी के कैंडिडेट से आप काफ़ी ऊपर चले जाएंगे, तो ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, बहुत ही जल्दी 2-4-6 दिन में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप सभी लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो भी डिटेल रहेगी आप सभी को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।